Children, let's begin with chapter number 5, healthy or junk. Food that is quick and easy to prepare but that can be bad for our health is called junk food. तो ऐसा खाना जो बहुत जल्दी बन जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा amount में calories होती हैं, जिसकी वजह से अगर हम जिसको ज़्यादा amount में consume करें तो हमें बीमारियाँ हो सकती हैं, ऐसे food को हम बोलते हैं junk food. जैसे कि pizza, burger, french fries. अगर ये आप थोड़े अमाउंट में कंज्यूम करते हो, कभी कभी कंज्यूम करते हो, देन इट्स ओके. लेकिन अगर हम इन्हें बार बार रोज लगातार कंज्यूम करते हैं तो दे कैन कॉज यू वेरियस टाइप ऑफ डिजीजेस. सबसे बड़ी डिजीज ओबेसिटी, मोटे हो जाते हैं बच्चे. सो ऐसे खाना खाने को हमें अवॉइड करना चाहिए, मेनली जंक फूड को हमेशा अवॉइड करना चाहिए. Complete the following table listing details about some popular food items. You can take the help of your friends. One example has been done for you. So samosa. Samosa kaisa food hai? Samosa is a fried food. Aur iske ingredients kya kya hai? Isme potato hota hai, vegetables hoti hain, oil hota hai. Aur nutrients kya kya hai? Kyunki ye flour ka bana hai. Kaun se flour ka? Refined flour ka bana hai. So iske andar carbohydrates hote hain. विटामिन्स होते हैं एंड फैट्स होते हैं और इसकी कैटेगरी है एक जंक फूड है. पिज्जा. पिज्जा अगेन, पिज्जा कैसा हो सकता है? पिज्जा तो है बेक्ड प्रोडक्ट, लेकिन इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या है? अगेन ये एक रिफाइंड फ्लोर का बनता है एंड इट हैज वेजिटेबल्स एंड लार्ज अमाउंट ऑफ चीज इन इट. सो न्यूट्रिएंट्स में इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं, चीज है तो प्रोटीन्स भी हैं, बट इसमें फैट का अमाउंट भी ज्यादा है. So it is again a junk food. Cucumber sandwich. Cucumber sandwich तो हमारा raw की category में आता है. Then basic ingredients इसमें होते हैं cucumber and bread और साथ में होती है mayonnaise और cheese. So इसके nutrients कौन कौन से हुए इसमें? क्योंकि इसमें cucumber है, so it has vitamins, minerals in it. But bread भी तो है, so it has carbohydrates in it. एंड ये एक हेल्दी फूड आइटम है. दाल. दाल आपकी इट कैन बी बॉइल्ड, दाल आपकी बॉइल हो सकती है. दाल के बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या है? इट हैज पल्सेस इन इट, इट हैज वेजिटेबल्स इन इट. सो न्यूट्रिएंट्स में दाल में आएंगे प्रोटीन्स, क्योंकि दाल आर वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स. इसमें प्रोटीन्स है, थोड़ा सा अमाउंट में फैट भी है एंड इट इज कैटेगराइज एज हेल्दी फूड. रसगुल्ला. अब रसगुल्ला जो है, अगर आपने काला गुलाब जामुन देखा हो तो इट इज फ्राइड. ये फ्राई किया जाता है. इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या है? इसमें होता है मिल्क पाउडर, फ्लोर भी होता है थोड़े अमाउंट में एंड लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर इट हैज. सो इसकी न्यूट्रिएंट्स में क्या है? इट हैज लार्ज अमाउंट ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और इसकी कैटेगरी भी क्या है? जंक फूड. तो रसगुल्ला भी हमें कम खाना चाहिए. पुलाव. पुलाव कैन बी राइस, कैन बी स्टीम्ड. तो इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं राइस, वेजिटेबल्स, ऑयल. न्यूट्रिएंट्स में इसमें प्रेजेंट होंगे कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिंस एंड लिटिल अमाउंट ऑफ फैट और ये एक हेल्दी फूड है. देन कचौरी. कचौरी तो सब बच्चों को पसंद है, तो कचौरी इज अगेन अ फ्राइड फूड. इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? इसमें भी रिफाइंड फ्लोर होता है, सम अमाउंट ऑफ दाल होती है, देन इट हैज लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल इन इट. न्यूट्रिएंट्स अगेन, इट इज वेरी गुड सोर्स ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट और ये एक जंक फूड है. खीर. खीर कैसे बनती है? खीर बनती है दूध में राइस को बॉइल करके. सो बेसिक इंग्रेडिएंट्स आर राइस एंड मिल्क अलॉन्ग विद शुगर. तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, इसमें थोड़े अमाउंट में प्रोटीन्स भी है एंड फैट भी है एंड इट्स अ हेल्दी फूड. आइसक्रीम. आइसक्रीम जनरली कंटेन्स मैदा. मैदा होता है इसके अंदर, मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं एंड शुगर होती है एंड इट इज अ क्या है इनमें से? इट इज, इट कैन बी बेसिक इंग्रेडिएंट्स हमने देखे आइसक्रीम के और इसके न्यूट्रिएंट्स में होंगे इट हैज लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमें फैट्स देती है ज्यादातर. सो इट इज अगेन अ जंक फूड. तो आइसक्रीम भी हमें कम खानी चाहिए. देन वड़ा. वड़ा इज अ फ्राइड फूड. बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसमें राइस होता है, इसमें दाल होती है. सो इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू तो होती है, इसमें प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं
और ज़्यादा अमाउंट में इसे भी हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये भी जंक की ही कैटेगरी में आता है।